रिकॉर्ड में थी क्लास 11। फर्स्ट हम देखें कोण को मापना, कोण को कैसे मापते हैं, कोण के माप की इकाई। कोण को मापते हैं हम दो प्रकार से मापते हैं, एक तो डिग्री में, जो आपने अभी तक किया है वो डिग्री में था, डिग्री माप है नंबर एक। नंबर दो है रेडियन माप। अक्षर 10 तक आप डिग्री माप के बारे में पढ़ चुके हो। डिग्री माप में क्या है, जैसे कि यह वृत्त है कंप्लीट, इस वृत्त में जैसे एक रेखा खींच दे, पूरे वृत्त को 360 भागों में बांट दे, पूरे वृत्त को 360 बराबर भागों में बांट दे, एक भाग जो इसका होगा वो एक डिग्री होगा। बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ये क्या होगा, एक डिग्री, ठीक है। मान लो हम इसके चार बराबर भाग कर दें, तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री में आएगा, 90 डिग्री, और पूरा ये होगा 360 डिग्री। डिग्री माप के बारे में तो आप जानते हो, इंपॉर्टेंट है रेडियन माप। कौन सा रेडियन माप क्या होता है, कैसे मापते हैं, क्या परिभाषा है इसकी, वो आप देखते हैं। तो आप हेडिंग लिखो, कोण के माप की इकाई रेडियन माप, रेडियन माप। रेडियन मीटर, परिभाषा है इसकी, लिखो परिभाषा इसकी, इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर, इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा, इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण, एक रेडियन, एक रेडियन। ब्रैकेट में ये लिखेंगे 1c, या तो आप लिखो एक रेडियन या लिखो 1c। जैसे डिग्री को लिखते हो ना 30 डिग्री या 0 की डिग्री लगाते हैं, इस प्रकार इसका मतलब डिग्री में है। रेडियन का ये सिंबल है सी, ठीक है, एक रेडियन या 1c कहलाता है। क्या मतलब हुआ, इकाई त्रिज्या, इकाई क्या मतलब, एक सेंटीमीटर हो सकता है, एक इंच हो सकता है, एक मीटर हो सकता है, जितनी हम त्रिज्या लेंगे उतना ही हमें क्या लेना है, चाप लेना। अगर हम त्रिज्या ले रहे हैं एक सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई कितनी लेंगे, एक सेंटीमीटर लेंगे। इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण एक रेडियन का होगा, एक रेडियन का। देखते हैं इसको, जैसे मान लो मैंने एक इंच त्रिज्या लेकर ये वृत्त बनाया है, इंच मान लो चाहिए, इकाई त्रिज्या मान लो ये इकाई है, जितनी भी ये त्रिज्या है ना इसको मैं एक इकाई मान रहा हूं, एक इकाई त्रिज्या इसकी, जितनी ये त्रिज्या है उतनी लंबाई का चाप ले रहा हूं मैं। अगर ये एक इकाई है तो ये चाप की लंबाई कितनी है, एक इकाई है। अब चाप ए बी से केंद्र पर जो कोण बनेगा
ये जो कोण है एक रेडियन का है, इकाई लंबाई का चाप और इकाई लंबाई की त्रिज्या, इकाई लंबाई का चाप, केंद्र पर बना कोण भी इकाई होगा, इकाई रेडियन। अब देखो अगर मैं यहां 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेता हूं तो चाप की लंबाई के लिए 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, कोण एक रेडियन का बनेगा। त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर रखेंगे तो एक रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं चाप की लंबाई त्रिज्या तो ले रहा हूं 4 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कर देता हूं मैं 8, यहां ए से लेकर सी तक चाप की लंबाई मैंने पूरी कर दी 8 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब केंद्र पर कोण क्या बनेगा, दो रेडियन का, डबल लंबाई कर दी मैंने, कोण डबल हो जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर चाप त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो कोण कितना बनेगा, 2 रेडियन। परिभाषा क्या बनेगी रेडियन की, सूत्र क्या बनेगा, थीटा बराबर एल बटे आर, एल 2 सेंटीमीटर है, आर 1 सेंटीमीटर है, थीटा 2 रेडियन आ गया। एल हम 3 सेंटीमीटर कर दे, आर 1 रख दे, थीटा 3 रेडियन हो जाए, क्लियर है। अब दूसरी बात, रेडियन में ये पूरा कोण कितना होगा, डिग्री में तो पूरा कोण 360 का था, ठीक है, रेडियन में ये पूरा कोण कितना होगा, रेडियन में बताना। अब देखो त्रिज्या मान लेते हैं इसकी 1 सेंटीमीटर है, पूरी परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr, r का मान 1 है, परिधि कितनी आ गई 2π, a से लेकर a तक चाप की लंबाई 2π है, तो कोण कितना बनेगा, ये 2π बनेगा। अभी बताया था मैंने आपको यहां से यहां तक चाप की लंबाई 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो कोण कितना बना था, 2 रेडियन का। त्रिज्या हम 1 ले रखी है, जितने चाप की लंबाई लेंगे उतना ही कोण बन जाएगा, तो पूरी अब परिधि कितनी है, 2π है, तो पूरा जो कोण है ये 2π का है। तो रेडियन में वृत्त के केंद्र पर पूरा जो कोण बनता है वो 2π का होता है। डिग्री में कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा आपका ये 2π बराबर 360 डिग्री। रेडियन में और डिग्री में संबंध क्या है, पाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री। एक होता है पाई बराबर 22/7, वो तो रेडियन में ही होता है, 22/7 लिखे तो चाहे पाई लिख देने की बात है, डिग्री में किसके बराबर है वो, 180, ठीक है। तो आपने जो परिभाषा लिखी थी उससे एक डायग्राम बनाओगे और एक इस पर लिखोगे, डायग्राम आपको बनाना है एक रेडियन वाला, आर बराबर 1 है, एल बराबर 1 है, और जो इससे कोण बनेगा थीटा बराबर 1 रेडियन बनेगा, ये डायग्राम बनाओगे। डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध, वृत्त में पूरा जो कोण बनेगा डिग्री में कितना था, 360 का, और रेडियन में कितना था, 2π, तो पाई बराबर 180 डिग्री, एक तो ये संबंध है, पाई रेडियन डिग्री में 180। अब देखो इसमें एक रेडियन किसके बराबर आएगा, एक रेडियन पाई रेडियन बराबर है 180, एक रेडियन आएगा 180/π, एक रेडियन 180 डिग्री/π है, और एक पाई एक डिग्री 180 को भाग में जाएंगे इधर, पाई बटे 180 रेडियन,
एक रेडियन 180 डिग्री बटे पाई। अगर हमें डिग्री को रेडियन बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एक डिग्री बराबर होता है 60, ये सिंपल है, मिनट का। एक डिग्री 60 मिनट, एक मिनट 60 सेकंड के बाद। रेडियन देखो, इसमें जैसे मैं देखा दो रेडियन, डिग्री में कितना है, डिग्री रेडियन और डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। हाँ, डिग्री हमें दे रखा 30 डिग्री है, रेडियन कितना होगा, पाई बाय 6 है। इस सिंपल से बात, डिग्री दे रखा तो डिग्री को भाग में देखेंगे तो डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा, रेडियन दे रखा तो रेडियन को भाग में देखेंगे तो रेडियन से रेडियन कैंसिल होगा, उत्तर डिग्री में। एक बात है, नोट करो, फिर हम ये देखेंगे 1 रेडियन का कितना मान होता है। क्वेश्चन आया हुआ ये, एक रेडियन को डिग्री में लिखिए, सरल करना पड़ेगा इसको, फिर एक डिग्री को रेडियन में ज्ञात करेंगे कितना होता है, ये नोट करो इसको। और यह भी नोट करना है आपको, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड। देखो इसमें अभी आपने लिखा था एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई, सरल कर रहे हैं इसको, पाई का मान आप देखोगे 22 बटे 7, दो से कैंसिल कर देंगे, 90 इंटू 7 बटे में 11, 630 बटे में 11। अब 630 में 11 का भाग देना है, ये आपको भाग ही सीखना पड़ेगा। और एक तरीके से देंगे भाग, पहले तो देंगे 5 पर, क्या आएगा 8, 0, 7 पर 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में 11 का भाग नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, इसको मिनट में चेंज करेंगे, एक डिग्री बराबर 60 मिनट है, 3 डिग्री बराबर 240 मिनट। अब भाग देंगे 240 में 11 का, अगली बस में पहले भाग जाएगा 2 पर, हाँ 180 आएगा, सही है 180 आएगा, 180 मिनट, फिर भाग जाएगा 1 पर, क्या आ रहा है 70। अब 6 पर 4 मिनट, अब इसको फिर सेकंड में चेंज करना है, अब फिर 2 पर, अब 1 पर। अब ये देखो, हम भाग यहां 1 पर दें या 2 पर दें, 1 पर देंगे तो 11 आएगा, 2 पर देंगे तो 22 आएगा। अब संख्या 20 11 का नहीं दी गया है, 22 ही नहीं दी गया है, तो लगभग में हम यहां 2 पर भाग देंगे, एक लिख दो वो भी सही है, ठीक है 2 पर दे देंगे, संख्या 20 22 का नहीं दी गया, लगभग हमने 2 पर भाग दिया, क्या उत्तर आया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग। इस प्रकार करना आपको, डिग्री को रेडियन, ये हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर है लगभग।
एक डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात करना, एक डिग्री बराबर रेडियन में होगा पाई बटे में 180 रेडियन, पाई यानी कि 22/7। ग्यारह में 36 का बार दे रहे आपने रेडियन उत्तर आएगा। बागड़ी ज्यादा पहले जी अभी भी ज्यादा एक जीरो अब एक और ज्यादा है अब सात से गुना करो इसको जीरो नौ दो अब जाएगा चार जीरो आठ तीन अब छह पर बस करने दे अच्छा लग रहा है तो रेडियन आपके पास है 0.01746 रेडियन। एक डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन। एप्रोक्सीमेट लगभग एग्जैक्ट नहीं है पहला एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो बुक में चालीस डिग्री 20 मिनट चालीस डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। चालीस डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे इसको इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें मिनट को हटाना होगा यहां से मिनट को हटाकर थोड़ा डिग्री में लेके आना है। 40 डिग्री 20 मिनट को हमें कर दिया प्लस में अब इस मिनट को डिग्री में कैसे बदलेंगे बीस बटे 60 डिग्री में ठीक है मिनट को डिग्री में बदला 60 से भाग कर दिया ये हो गया 1/3 40 डिग्री प्लस 1/3 ये होता 120 प्लस 121 डिग्री बटे 3 ये था हमने सरल किया इसको अभी तक डिग्री में सरल किया रेडियन में तो अब बदलेंगे इसको पाई बटे 180 से गुणा कर अब ये रेडियन में उत्तर आ गया कट रहा है तो काट दो किसी से कुछ नहीं कट रहा है सी एस का आंसर है 121 बटे में 540 पाई आगे इसको पाई का मान के हल लिख रहे किसी भी क्वेश्चन में आपको पाई का मान 22/7 रखकर डिग्री को रेडियन में बदलना पाई में उत्तर आएगा लेकिन जब अपन रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तब आपने पाई का मान रखना है बाईस ठीक है 121 पाई बटे 5
छह रेडियन का मान डिग्री में ज्ञात करना है। छह रेडियन डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे में पाई। अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पाई का मान 22 बटे 7 रखे, इसको हल करेंगे। छह 180 पाई बटे में तो ये जगह 7 बटे 22 3780 बटे 11। अब इसको आप डिवाइड करो डिग्री मिनट और सेकंड में, इसको करो इतना होता है इसका 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। एग्जांपल देखो कितना है इसका, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल थर्ड है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चौक काटता है। 60 डिग्री का केंद्रीय कोण त्रिज्या ज्ञात करनी है, कोण हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री का और चाप की लंबाई दी है 37.4, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। थीटा हमें देना है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बटे 180 पाई बाई 3 रेडियन। एल दिया आपको 37.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बाई आर, आर क्या जाएगा एल बाई तो ग्यारह में याद है एल 37.4 पाई बाई 37.4 गुणा 3। अब भाग में पाई है क्या लिख देंगे इसको 7 बटे 22 उत्तर 11 के पहाड़े से कट जाएंगे। यह 21 × 3.4 2184 आठ 21 × 63 = 73 दो और यह आपके पास आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। फिर जाएगी 35.7। इस सूत्र में ध्यान रखना है थीटा का मान आपको रेडियन में ही रखना है। वैसे एक सूत्र आपको 11th क्लास में भी था, 11th क्लास में याद होगा आर बराबर क्या था, ये चाप की लंबाई का सूत्र एल बराबर पाई आर थीटा बटे में 180 10th क्लास में था, इसमें थीटा का मान डिग्री में लेना था आपको। इस सूत्र से भी आप कर सकते हो 60 है थीटा का मान, इसमें थीटा का मान 60 होगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा, सेम ही चीज बन जाएगी। ठीक है, ये आपका 10th क्लास में फॉर्मूला है। करते हैं क्वेश्चन आपको करने हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, पहला दूसरा और चौथा, तीन क्वेश्चन आपको करने और कल अपने करेंगे इसको कंप्लीट 3.1 को।